मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे बाबा थे। मेरे बाबा दुनिया के सबसे सोहने बाबा थे। मेरे बाबा दुनिया के सबसे जहीन और नेक बाबा थे। मेरे बाबा मेरे हीरो थे, लेकिन मेरे बाबा झूठ बोलते थे। वो झूठ बोलते थे कि उनके पास अच्छा रोजगार है, जबकि वो रोज़ाना मुझे अच्छी ज़िंदगी फराहम करने के लिए अनथक मेहनत करते थे। वो झूठ बोलते थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, जबकि वो मेरी ज़रूरियात के लिए अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करते थे। वो झूठ बोलते थे कि उन्हें भूख नहीं है, जबकि वो अपनी भूख काट कर मेरे होंठों में नवाला डालते थे। वो झूठ बोलते थे कि वो बहुत खुश हैं, जबकि वो मेरे चेहरे की मुस्कान के लिए ना जाने कितनी झिड़कें खाते थे। वो झूठ बोलते थे, लेकिन उनके झूठ ने आज मुझे एक ताकतवर, बाहिम्मत और कामयाब इंसान बना दिया है। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा कि मेरे नबी ने फरमाया कि बदबख्त है वो औलाद जिसके माँ बाप को बुजुर्गी आए और वो उनकी खिदमत न कर सके। लेकिन मैंने अपने नबी की हदीस को न समझा। ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा कि मेरे मौला अली ने फरमाया कि बाप की मौत बेटे की कमर तोड़ देती है, मगर मैं उनके कौल को संजीदा न ले पाया। ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा। मुझे तो आज एहसास हुआ कि बाप चाहे कितना भी बूढ़ा हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। यकीन करें, बाप दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। दुनिया भर के फादर्स जो अपने बच्चों की खातिर हालात की सख्ती को झेलते हुए पूरा दिन मेहनत मजदूरी में लगा देते हैं, ये दिन ऐसे वालदैन को खराज तहसीन पेश करने का एक तरीका है। बच्चों की परवरिश और ज़रूरियात वालदैन की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप दोनों ही अपनी अपनी यकसां जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी एक बाप अपने औलाद के लिए उठाता है, दिन भर काम काज करके अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करना, ये एक बाप की शफकत भरे फ़राइज में से एक है। ये बात कहने और मानने में हरगिज कम न होगी कि एक पूरे घर को जो मर्द लेकर चलता है, इस मर्द की पहचान एक वालिद के तौर पर होती है, जिसका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुझे इतना प्यार न दो बाबा कल जितना मुझे नसीब न हो, ये जो माथा चूमा करते हो कल इस पर शिकन अजीब न हो। मैं जब भी रोता हूं बाबा तुम आंसू पूछा करते हो, मुझे इतना दूर न छोड़ आना, मैं रोऊं और तुम करीब न हो। मेरे नाज उठाते हो बाबा, मेरे लाड उठाते हो बाबा, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश पर तुम जान लुटाते हो बाबा। कल ऐसा ना हो एक नगरी में मैं तन्हा तुमको याद करूं और रो रो कर फरियाद करूं। ऐ अल्लाह, मेरे बाबा सा कोई प्यार जिताने वाला हो, मेरे नाज उठाने वाला हो, मेरे नाज उठाने वाला हो। चैनल 51 की तरफ से दुनिया भर के तमाम वालदैन और बिलखसूस तमाम बापों को, तमाम बाबाओं को, तमाम फादर्स को सलाम।